15 अगस्त को लेकर तैयारियों में वाराणसी के बाजारों में तिरंगे खासा नजर आ रहे हैं। जी हां, काशी को स्वतंत्र दिवस पर सजाने के लिए लोग खरीदारी में जुट गए हैं। वहीं प्लास्टिक बैन होने के चलते बाजारों में कपड़े और कागज के तिरंगे बिक रहे हैं। कई प्रकार के टी शर्ट भी बाजारों में लोगों को खूब भा रहे हैं। वहीं युवा तिरंगे रंग में टोपी ब्रांड और ड्रेस को खासा पसंद कर रहे हैं। तो आजादी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है काशी क्षेत्र। टी शर्ट के साथ साथ तिरंगों में अब टोपी भी युवाओं को खासी आकर्षित कर रही है और युवाओं को खूब भा रहा है तिरंगे का ये फैशन। प्लास्टिक बैन का भी साफ असर देखने को मिल रहा है। वाराणसी के बाजारों में कपड़े और कागज के बिक रहे हैं तिरंगे, तो खासी रौनक नजर आ रही है वाराणसी के बाजारों में। टी शर्ट के साथ अब तिरंगे में भी टोपी नजर आ रही है और युवाओं को खूब भा रहा है ये नया फैशन। और 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के मद्देनजर हाथरस में पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त कर रही चेकिंग अभियान चलाया गया है। यह अभियान होटल दाडुडो गेस्ट हाउस बस स्टैंड समेत कई सार्वजनिक जगहों पर चलाया गया है, जिसके तहत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा थाना कोतवाली पुलिस के साथ रामलीला ग्राउंड पंजाबी मार्केट बेनीगंज मोहनगंज आदि शहर में गश्त की गई है। वहीं हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी प्रभारी सोनू कुमार द्वारा रेल और सिटी स्टेशन पर चेकिंग अभियान को चलाया गया है। तो हाथरस से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आतंकी अलर्ट है लेकिन पुलिस भी मुस्तैद है। ढाबे सराय इन सभी जगहों पर रात्रि में भी चेकिंग की जाएगी सभी की, और जो भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से जो भी हमें समुचित कदम उठाना है वो हम उठा रहे हैं। मार्केट है, उन जगहों पर हमारी जो भी फोर्स उपलब्ध है उसके साथ हम पैदल गश्त भी कर रहे हैं। वहाँ पिकेट्स वगैरह भी लगाई गई हैं और होटल ढाबों की चेकिंग वगैरह भी हमारी आज से एक दिन पहले से स्टार्ट है, आज भी होगी और लगातार चलती रहेगी। और हल्द्वानी में भी आजादी दिवस को लेकर अलर्ट व्यवस्था चाक चौबंद के निर्देश जारी किए गए हैं। जी हां, नेपाल चीन सीमा पर खास चौकसी बरती जानी है। पूरन सिंह रावत ने ये बातें कही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ के लिए निर्देश जारी किए गए हैं आईजी के द्वारा। हर जगह सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है, ये बातें कही है आईजी ने। लंबा समय नहीं रखते हैं लोग ज्यादा अपने यहाँ।